नमस्कार, सुभाष पालेकर कृषि में आपका स्वागत है। और ये मूसलाधार बारिश हुआ था यहाँ पे पिछले दो तीन दिनों से, और आप देखेंगे खेत में कहीं भी पानी नहीं है। और ये हमारा सहजन का पेड़ गिर गया था, इसे फिर हम लगा रहे हैं, इसकी डाढ़ी यहाँ पे। और इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा गड्ढा खना हुआ है, और इस गड्ढे में आपको हम दिखाएंगे छोटे से गड्ढे में कितने देसी केचुए मिले हैं। ये सारे देसी केचुए हैं, और आप यहाँ देखिए कैसे हैं, कितने स्वस्थ हैं ये केचुए। देखिए आप कितने स्वस्थ हैं, ये सब जीवामृत का कमाल है। और इसको हम फिर वापस डाल रहे हैं जहां से हम लिए थे, इन सब केचुओं को वापस डाल रहे हैं। और ये मिट्टी यादव जी डालिए आप, और ये बरसात में हमारा पेड़ गिर गया था, और ये मूसलाधार बारिश हुआ है पिछले तीन दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में। आप हमारे खेत में देखेंगे कहीं भी थोड़ा बहुत भी पानी नहीं लगा है, कहीं भी पानी नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बादल भी फट जाए तो एक बूंद पानी बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। ये सारा ये जीवामृत का कमाल और देसी केचुओं का कमाल है, सारा पानी जमीन में स्टोर हो जाता है। जैसा गुरुजी बताते हैं केचुए अनंत करोड़ जमीन में वो छिद्र करते हैं, उसी छिद्र के द्वारा ये सारा पानी जमीन में स्टोर हो जाता है। तो ये रासायनिक खेती में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिलेगा तो सुभाष पालेकर कृषि में ही मिलेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक देसी गाय के गोबर से निर्मित जीवामृत डालें खेत में, और देसी केचुओं की गतिविधियों को अपने खेत में बढ़ाएं, यूरिया और केमिकल मुक्त खेती करें। नमस्कार, जय गौ मातरम।